अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील खान। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे कार्ट समरी और साथ साथ हम इंटीग्रेट भी करेंगे स्ट्राइप पेमेंट। सो आपने जस्ट जाना है कार्ट डॉट जे एस फाइल में और फिर इस मैसेज के बाद सॉरी योर कार्ट इज करंटली एम्प्टी, और इसके बाद हमारे पास मौजूद है ये क्लोजिंग टैग। सो इस क्लोजिंग टैग के बाद हमने लगानी है टू स्टॉप कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर फर्स्ट पहले मैं चेक करूँगा शॉपिंग कार्ट का लेंथ। तो यहाँ पर शॉपिंग कार्ट डॉट लेंथ, अगर हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद हो, अगर ये ग्रेटर देन हो 0, ठीक है। सो फिर क्या करूँ, क्वेश्चन मार्क हो एंड डिस्प्ले समथिंग, ठीक है। अदरवाइज डिस्प्ले जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। सो यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ सिंगल कोट्स हो, और यहाँ पर हमारे पास होगा एक ड्यूटी को, और क्लास नेम होगा क्या, कार्ड समरी, कार्ड समरी स्पेलिंग यस, ठीक है। यहाँ पर क्लोज भी होगा, फिर हमारे पास होगा अगेन ड्यूटी को, क्लास नेम होगा जस्ट समरी, ठीक है। इसको भी मैं करता हूँ क्लोज ऑफ, और समरी के अंदर हमारे पास होगा एक H3, ठीक है। और इसके अंदर होगा कार्ड समरी लाइक सो। फिर H3 के बाद हमारे पास होगा ड्यूटी को, क्लास नेम होगा टोटल आइटम्स, सॉरी। और इसके अंदर हमारे पास होगा एक दूसरा ड्यूटी को जो होगा क्लास नेम जस्ट आइटम्स, और इसके अंदर होगा टोटल आइटम्स, फिर होगा ड्यूटी क्लास नेम होगा व्हाट आइटम्स काउंट क्लोज ऑफ। इसके अंदर हमारे पास होंगे टोटल आइटम्स। सो क्या होगा ऊपर क्वांटिटी, यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया था क्वांटिटी QTY। सो यहाँ पर मैं करता हूँ जस्ट QTY, ठीक है। ये तो हुआ। अब इस टैग के बाद हो टोटल आइटम्स, इसके बाद हमारे पास होगा एक और चीज़ के नीचे मैं आता हूँ क्लोजिंग टैग के बाद हो, फिर हमारे पास होगा ड्यूटी को, क्लास नेम होगा टोटल प्राइस सेक्शन क्लोज ऑफ, और इसके अंदर हमारे पास होगा ड्यूटी को, क्लास नेम होगा लेट्स से जस्ट टाइटल, इसके अंदर होगा टोटल प्राइस, ड्यूटी का क्लास नेम इक्वल टू आइटम्स प्राइस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने डिस्प्ले करना है टोटल प्राइस। सो लेट्स सी हमने डिस्ट्रक्चर किया है कि नहीं, यहाँ पर किया है बिल्कुल। इसको मैं करता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ पर नीचे मैं करता हूँ सिंपली कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर डॉट 0 0 भी होगा, और यहाँ पर होगा डॉलर साइन भी, ताकि बिल्कुल क्लियर हो। ये तो भी हुआ। फिर हमारे पास होगा स्ट्राइप, ठीक है। सो अभी तक स्ट्राइप पैकेज मैंने इंस्टॉल भी नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट एक क्लास डिफाइन करता हूँ, और बाद में हम इंस्टॉल करेंगे स्ट्राइप पेमेंट, ठीक है। स्ट्राइप पेमेंट का जो पैकेज है वो हम बाद में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं करूँगा स्टाइल ऑफ। सो
इस टैग के बाद यहाँ पर नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास होगा ड्यू टैग हो क्लास नेम इक्वल टू स्ट्राइफ सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर बाद में हम ऐड करेंगे स्ट्राइप बटन, ठीक है, बटन, ठीक है, स्ट्राइप स्ट्राइप बटन, ठीक है। सेव द फाइल। सो अब मैं जाता हूँ एंटर द ब्राउज़र और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जस्ट टू सी। सो यहाँ पर देखे ना ऊपर हमारे पास सब कुछ है लेकिन ऊपर ने वो न्यू बार के अंदर मौजूद है। सो खैर मैं जाता हूँ एंटू सी एस एस, नीचे स्क्रॉल करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पर होगा कार्ड समरी। सो कार्ड समरी वेट 25%, ठीक है, और फेडिंग होगा टॉप 0, लेफ्ट 0, बॉटम 0 एंड राइट होगा 20 पिक्सल। ठीक है, ये अब भी ऊपर है। एक चीज़ मैं चेक करता हूँ, असल में जो हमारे पास था ये क्लास कार्ड कंटेनर, इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है, लेट्स सी, यहाँ पे है। फिर डिटेल्स, अच्छा यहाँ पे है। सो कार्ड कंटेनर को मैं चेक करता हूँ, कार्ड कंटेनर यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन ट्रफ असल में था 40, ठीक है, वेट 100%, मार्जिन ट्रफ 40 पिक्सल, पैडिंग टॉप बॉटम 0, डिस्प्ले फ्लेक्स टोटल आइटम्स, ठीक है, ये नीचे आना चाहिए असल में, मेरा मतलब ये है। सो अगर इसको मैं कर दूँ यहाँ पे 70, ये इस तरह आ गया, ठीक है। सो खैर बाद में इसको हम चेक करेंगे लेकिन अभी इसको मैं स्टाइल अप करता हूँ, ठीक है। सो नीचे मैं आता हूँ, ये तो हुआ। फिर हमारे पास है जस्ट समरी, सो इसका हमारे पास होगा बैकग्राउंड होगा वाइट हो, सो वार वाइट कलर। फिर होगा पैडिंग, सो 13 पिक्सल, ठीक है। ऑल साइड्स परफेक्ट। और फिर हमारे पास था समरी के अंदर H3, इसका फॉन्ट साइज हमारे पास होगा कितना, 18 पिक्सल। और फिर फॉन्ट वेट होगा नॉर्मल, ठीक है, और बॉर्डर बॉटम होगा 1 पिक्सल, सॉलिड हैश 999, लेट्स सी, फाइन। अच्छा फिर हमारे पास क्या था, फिर हमारे पास था टोटल आइटम्स, तो टोटल आइटम्स, लेट्स सी द क्लास नेम,
टोटल आइटम्स, या टोटल आइटम्स। सो इसका हमारे पास होगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा होगा मार्जिन, टॉप बॉटम 15 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 0। और इसके अंदर हमारे पास था आइटम्स, लेट्स सी द क्लास आइटम्स। या इसका वेट होगा 50%, और टेक्स्ट इलाइन होगा लेफ्ट इसका, और फॉन्ट वेट होगा नॉर्मल। सेव द फाइल। एग्जैक्टली। फिर हमारे पास था व्हाट आइटम के बाद, आइटम्स के बाद आइटम्स काउंट। लेट्स कॉपी। इसका वेट होगा 50% और अलाइन होगा राइट, सॉरी टेक्स्ट अलाइन। राइट। और इसके बाद होगा फॉन्ट वेट, ये होगा बोल्ड, कलर होगा वार, मेन कलर होगा। सेव द फाइल। लेट्स सी फाइन। एग्जैक्टली। और इसके अलावा फिर हमारे पास है टोटल प्राइस सेक्शन, सो लेट्स कॉपी दैट। और यहाँ पर मैं करता हूँ डॉट पेस्ट। सो इसका भी होगा डिस्प्ले प्लेक्स, और मार्जिन होगा टॉप बॉटम 15, लेफ्ट राइट 0। और फिर हमारे पास था इसके अंदर जस्ट टाइटल, लेट्स कॉपी एंड डॉट पेस्ट। तो इसका होगा वेट तो 50%, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, फॉन्ट वेट नॉर्मल। और फिर क्या होगा, बस ये काफी है, ठीक है इसके लिए। फिर हमारे पास था आइटम्स प्राइस, लेट्स कॉपी। सो यहाँ पर हमारे पास होगा व्हाट, वेट तो 50%, टेक्स्ट अलाइन राइट, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर वार, मेन कलर लाइक दैट। एग्जैक्टली। ठीक है इस तरह। लेकिन मैं अब भी कंफ्यूज हूँ कि ये क्यों ऊपर है, क्योंकि ये तो एक कंटेनर के अंदर है और ये नीचे है, ठीक है, लेकिन ये क्यों ऊपर है। मैंने कुछ मिस्टेक किया है, लेकिन आई डोंट नो। लेकिन खैर, इसको इंडिविजुअल मार्जिन भी हम दे सकते हैं। जो हमारे पास है कार्ट समरी, इसका मार्जिन टॉप में देता हूँ 60 पिक्सल, ठीक है, इतना इशू है नहीं। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, मेरा ये मतलब था, ठीक है इस तरह। और जो कार्ट समरी है, इसके अंदर जो H3 है, इसको मार्जिन बॉटम भी देना पड़ेगा। पैडिंग बॉटम, नॉट मार्जिन, पैडिंग बॉटम 8 पिक्सल, आई थिंक बेटर होगा। फाइन। सो ये हमारे पास एक कार्ट समरी, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, कार्ट समरी जो टोटल आइटम्स हमारे पास है 4 और प्राइस हमारे पास ये है, ठीक है। लेट्स से क्वांटिटीज़ को मैं करता हूँ इंक्रीज़। यहाँ पर इंक्रीज़ किया, इस तरह किया। सो यहाँ पर प्राइस क्वांटिटीज़ हमारे पास है 7, फाइन। और ये हमारे पास है प्राइस, तो ये भी फाइन है। अब यहाँ पर नीचे हमने लगाना है एक स्ट्राइप बटन। ये स्पेस अगर मैं ज़्यादा कर दूँ, लेट्स
C75, इसे स्पाइन, ठीक है, दिस स्पाइन। सो अब यहाँ पर हमने स्ट्राइप फेम एंड बटन भी यहाँ पर लगाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ कि एक पैकेज में इंस्टॉल करता हूँ जो स्ट्राइप पेमेंट के लिए है। यहाँ पर जस्ट मैं जाता हूँ वी एस कोड में और मैं ओपन करता हूँ अपना न्यू टर्मिनल। यहाँ पर npm i, i का मतलब है इंस्टॉल, और फिर रिएक्ट रिएक्ट स्ट्राइप चेक आउट, ठीक है, रिएक्ट स्ट्राइप चेक आउट, ये एक पैकेज है। सो हमने जस्ट वेट करना है ताकि ये पैकेज इंस्टॉल हो जाए। अब ये तो इंस्टॉल हो जाएगा। सो मैं जाता हूँ एन टू कार्ड डॉट जे एस और यहाँ पर ऊपर मैं इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट स्ट्राइप, एस होगा कैपिटल स्ट्राइप, चेक, सो चेक का सी बी कैपिटल होगा चेकआउट, प्रॉम और रिएक्ट स्ट्राइप चेक आउट, ठीक है। यहाँ पर एरर है लेकिन ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, सो इसलिए, लेकिन ये अब इंस्टॉल हो जाएगा। स्ट्राइप अरे एक स्ट्राइप चेक आउट, ठीक है, और फिर नीचे मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं करता क्लोज ऑफ और इसको मैं करता कॉफी, लेट्स कॉफी, और यहाँ पर मैं करता हूँ एंगल साइन, यहाँ पर मैंने किया फेस, ठीक है, लाइक सो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारे पास है प्रॉपर्टीज़, वो भी हमने फास करनी है। सो दोस्तों इससे पहले हमने इस तरह करना है कि हमने जाना है स्ट्राइप वेबसाइट पे और वहाँ पर हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट ऐड करना है, ठीक है। खैर यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में ऐड करता हूँ कि आया हमारा कोड ठीक है कि नहीं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये बटन आ गया पे विद कार्ड, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया पे विद कार्ड पाइन। सो अब इस तरह हमने करना है कि आपने जाना है इस वेबसाइट पे stripe.com, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, ठीक है। सो आपने जस्ट अकाउंट क्रिएट करना है अपने रियल ईमेल से, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ। आपने अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इस तरह करना है कि आपने अपना ईमेल भी वेरीफाई करना है, ठीक है। सो आपने अपना रियल ईमेल ऐड करना है ताकि आप वेरीफाई कर सकें अपने स्ट्राइप अकाउंट को। सो वेरीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ये डैशबोर्ड, आपके पास ये यूआरएल है, ठीक है, डैशबोर्ड डॉट स्ट्राइप डॉट कॉम स्लैश टेस्ट स्लैश डैशबोर्ड। सो यहाँ पर आने के बाद आपके पास होगा ये ऑप्शन गेट योर टेस्ट एपीआई कीज। यहाँ पर देखे ना, मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट वेरीफाई किया है। सो आपके पास ये ऑप्शन होगा गेट योर टेस्ट एपीआई कीज। सो इसको आपने एक्सपेंड करना है। सो यहाँ पर देखे ना, मेरे पास टू कीज है, एक है पब्लिश पब्लिशेबल की, दूसरा हमारे पास है सीक्रेट की। सो दोस्तों सीक्रेट की हम यूज़ करेंगे बैकएंड पे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बैकएंड भी हम यूज़ करेंगे। सो डोंट वरी, बैकएंड के लिए मैं यूज़ करूँगा नोट जे एस ताकि स्ट्राइप हमारा पेमेंट जो है ना वो कट करे, ठीक है, यानी वो हमारा पेमेंट करे। सो हमारा पेमेंट जो है ना वो करेगा बैकएंड, ठीक है। सो बैकएंड के लिए मैं यूज़ करूँगा नोट जे एस का कोड, वो इतना मुश्किल कोड नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा, एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। लेकिन फ्रंट एंड पे मैं यूज़ करूँगा इस की को, ठीक है, इस की को रिएक्ट फ्रंट एंड पे हम यूज़ करेंगे इस की को। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैंने किया क्लिक, मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हमारे पास होगा व्हाट स्ट्राइप की इस तरह इक्वल टू, यहाँ पर मैंने किया पेस्ट अपना की, ठीक है। फिर दूसरा हम ऐड कर सकते हैं एक टोकन, टोकन असल में एक फंक्शन होगा जिसको मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है, बाद में।
ये असल में कम्युनिकेशन करेगा ये फंक्शन बैकएंड के साथ यानी नोड जे एस के साथ। सो लेट्स से मैं यहाँ पर फॉर जस्ट डिफाइन करता हूँ हैंडल हैंडल टोकन, ठीक है, हैंडल टोकन फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं ऊपर डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर ठीक है, कॉन्स्ट ये टोकन भी लेगा, ठीक है, बैक एंड से पेयर। सो मैंने जस्ट डिफाइन किया, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और टोकन के बाद हमारे पास होगा व्हाट, हमारे पास होगा बिलिंग एड्रेस, ठीक है, इस तरह बिलिंग, और जो ए है ये आपके पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू। सो यहाँ पर वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग, ठीक है, वी जस्ट नीड टू ऐड ए बिलिंग एड्रेस हो। फिर हमारे पास होगा शिपिंग एड्रेस हो, ये भी आपने जस्ट ऐड करना है। फिर हमारे पास होगा अमाउंट, सो अमाउंट हमने ऐड करना है यानी कितना अमाउंट हमने हमने क्या करना है यार, हमने अपने अकाउंट से कट करना है, ठीक है। सो ऊपर मेरे पास है ये वाला टोटल प्राइस, लेट्स कॉपी, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ऐड हूँ। और दोस्त यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर हमने करना है मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि हम एग्जैक्ट प्राइस हासिल कर सके, अदरवाइज ये आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं देगा, यहाँ पर ये अमाउंट आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं देगा। अगर आपने अपना रियल, जो हमारा रियल टोटल प्राइस है वेबसाइट में, अगर वो आपने एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आपने ऐड करना है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस देगा, अदरवाइज ये आपका ये एक्यूरेट प्राइस नहीं लेगा आपकी वेबसाइट से। सो यहाँ पर आपने मस्ट ऐड करना है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इसके बाद हमने ऐड करना है नेम, द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स हो। सो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सो यहाँ पर लेट से मैं देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, हर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सेव द फाइल, नाउ लेट्स सी, यहाँ पर तो अभी ये है। सो मैं कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास ये बटन है पे विद कार्ड, ये अब काम करेगा नहीं 100% क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी बैकएंड नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे बैकएंड यानी नोड जेएस, और नोड जेएस क्या करेगा, वो हमारा हमारा पेमेंट यानी कट कर फेस से कट करेगा हमारे अकाउंट से, ठीक है। जो हमारा टेस्ट अकाउंट है जो यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, मैं खुद दिखाता हूँ यहाँ पर जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ पर देखे ना, ये मेरे पास कुछ बैलेंस है 3997, ठीक है, ये जस्ट टेस्टिंग पेमेंट है, ठीक है। सो इस अकाउंट से ये पैसे कट करेगा नोट जी एस टी के। सो सक्सेस की सूरत में हम मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुली सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। सो आपने मस्ट यहाँ पर एक अकाउंट आपने क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। और ये अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो आपके पास ये फॉर्म आएगा, लेकिन ये 100% काम अब नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ना, हमारा आगे है ऑल प्रोडक्ट्स हो, जो मैंने नेम दिया था ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल सक्सेसफुल है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। यहाँ पर देखिए ना, बिल्कुल सक्सेसफुल है हमारा काम। सो अभी तक तो ये ठीक है। आपको जो भी इशू हो इस वीडियो में, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी इशू हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।